प्रधानमंत्री जी घाट घाट पर वाणी बदले, कोस कोस में कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी 35 आदर्श गांव बता दो, आपकी पतलून गीली हो जाएगी, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। जब बनारस के घर घर माँ गंगा डूब रही थी कि हमारा फर्जी बेटा, जूठा बेटा, जूठलर बेटा, फेकू बेटा, बेचेश्वर बेटा, जूठेश्वर बेटा कहाँ है, 10 लाख का सूट पहनने में, 5 लाख का बूट पहनने में। प्रधानमंत्री जी उस समय कहाँ थे, किस बिल में छुपे थे? महिला की साड़ी खोली गई, ये उत्तर प्रदेश का विकास है? अरुण आदंदा थपले में आई, माँ गंगा ने बुलाया। जब माँ गंगा आई ढूंढने के लिए कि मेरा फर्जी पुत्र कहाँ है, तो पूरा बनारस की जनता त्रस्त थी और मोदी जी मस्त थे मशरूम की सब्जी खाने में। उन वाल्मीकि की हत्या नमक मिर्ची डालकर, मोटे मोटे डंडों से पीट पीट कर, बिजली का करंट लगाकर पुलिस कस्टडी में हुआ, ये उत्तर प्रदेश का विकास है? बोलते महंगाई का मौन नहीं बोलते, क्या आपके दूध याद आ जाएगा, छठी रात का पतलून गीली हो जाएगी, कुछ महंगाई पर बोलिए प्रधानमंत्री जी। हमने देश देखा है, पूरा देश ने देखा है, निर्भया कांड के बाद निर्भया का भाई पायलट अफसर बना, मनीष का भाई क्या बना, भैया रिक्शा ड्राइवर बना, आप बताओ कार का ड्राइवर बना, पायलट अफसर बना, क्या बना, क्यों नहीं बताते हो? जाति भेद है क्या? देखिए प्रधानमंत्री ने मेडिकल कॉलेज की सौगात क्या देंगे, प्रधानमंत्री जी घाट घाट पर वाणी बदले, कोस कोस में कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। अगर प्रधानमंत्री जी को मेडिकल कॉलेज की सौगात ही देनी थी तो नए मेडिकल कॉलेज देशभर में स्थापित करने थे, उत्तर प्रदेश में भी करने थे। जो वहाँ की अस्पताल था उसमें बोर्ड लगा दिए कि ये मेडिकल कॉलेज हो गया, तो जो मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ सुविधाएँ, क्या प्रधानमंत्री जी ने मुहैया कराई? आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा कि उसी बनारस में प्रधानमंत्री गए, जिस बनारस की जनता ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, अपना सांसद चुना, प्रधानमंत्री जी 35 आदर्श गांव बता दो, आपकी पतलून गीली हो जाएगी, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। आप बता दो कि 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 7 साल में 700 स्मार्ट सिटी कहाँ है, कहाँ है? जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 शहर स्मार्ट सिटी होने चाहिए। आप बता दो, आप पत्रकारिता करते हो कि क्या करते हो, भाजपा ITCL की तरह उनका विज्ञापन कर रहे हो, बताओ ना आप, आप क्यों नहीं बता रहे? अरे 35 आदर्श गांव बनारस में बताओगे आप पत्रकार हो ना भाई, आप बताओगे कि प्रधानमंत्री ने, कम से कम प्रधानमंत्री तो अपने मुंह से जो बोला वो किया होता, ऐसा प्रधानमंत्री कि उसी बनारस में गए, नादंदा थपले में आई, माँ गंगा ने बुलाया। जब माँ गंगा आई ढूंढने के लिए कि मेरा फर्जी पुत्र कहाँ है, तो पूरा बनारस की जनता त्रस्त थी और मोदी जी मस्त थे मशरूम की सब्जी खाने में, 10 लाख का सूट पहनने में, 5 लाख का बूट पहनने में। प्रधानमंत्री जी उस समय कहाँ थे, किस बिल में छुपे थे? जब बनारस के घर घर माँ गंगा डूब रही थी कि हमारा फर्जी बेटा, जूठा बेटा, जूठलर बेटा, फेकू बेटा, बेचेश्वर बेटा, जूठेश्वर बेटा कहाँ है, नहीं मिले प्रधानमंत्री जी। उस समय तो नहीं गए ना, क्यों नहीं गए भाई? आप ये स्वच्छ भारत अभियान की बात कहते, आप निर्मल गंगा अविरल गंगा की बात कह रहे थे, देश ने देखा था उसी गंगा को दूषित करने का काम मोदी सरकार ने किया, जिंदों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली, बेड नहीं मिला, और मुर्दों को, जो मरे हुए मृत आत्मा थे, उनको शमशानों में जगह नहीं मिला, टोकन बांटा गया, ऑक्सीजन की कमी के कारण, सर्जिकल सामग्री के कारण, वहाँ दवाइयों के कारण अस्पतालों में बेड नहीं था। आपने वायरल फीवर में भी देखा होगा, डेंगू बुखार पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, प्रधानमंत्री की अहमियत देश की जनता से ज़्यादा अपना चुनाव प्रचार करने में है, एक ही विजन है टेलीविज़न। हम बताइए कि प्रधानमंत्री का काम है? प्रधानमंत्री ने कल बोला कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये तो शुक्र है कि प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे की ही बात कहे, 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो आज जो देश की स्थिति है, 18 घंटे में इतना देश को डुबा दिया कि हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, हम नेपाल से पीछे हो गए, हम पाकिस्तान से पीछे हो गए, हम श्रीलंका से पीछे हो गए। अगर 24 घंटा का नाम बोला होता तो फिर हम खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे होते, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगलों के शिकार कर रहे, जंगलों जंगली जानवरों के शिकार कर रहे होते, हमारी चड्डी तक बिक गई होती। आपने पूछते 5 ट्रिलियन डॉलर की बात थी, महंगाई का मोह शब्द नहीं बोलते हैं, ये कह रहे थे महंगाई दिल्ली में बैठी निकम्मी सरकार का जीता जागता स्मारक है, महंगाई का नाम नहीं लेते भाइयों बहनों,
प्रधानमंत्री गरीब क्या खाएगा, कैसे खाना बनाएगा, रोटी पर नमक तेल प्याज कैसे खाएगा नरेंद्र मोदी जी, ये तो बता दीजिए। चाइना का चौ नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते, क्या आपके दूध याद आ जाएगा, छठी रात का पतलून गीली हो जाएगी। कुछ महंगाई पर बोलिए प्रधानमंत्री जी, आपने देश को बरगलाया है, आपके तमाम नेताओं ने बरगलाया है। दिन प्रतिदिन जब आदमी अखबार खोलता है, जब टेलीविजन देखता है, तो ये देखता है कि मोदी सरकार ने कहां कहां पॉकेटमारी की। जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, खाद्यान्नों के दाम बढ़ेंगे, हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री की ये चिंता ही नहीं है। मौसम नहीं बोल पाते, उस समय तो गूंगे बहरे हो जाते, हलक से जवानी नहीं निकलती प्रधानमंत्री की। कह रहे महंगाई इसलिए बढ़ी हुई है कि हमने आपको फ्री में वैक्सीन दी है, 100 करोड़ वैक्सीन लगवा दिए प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री जब जन्म लिए थे 5 टीका लगा था, आप जन्म लिए आपको टीका लगा कि नहीं लगा, 5 को पैसा लिया था पूर्ववर्ती सरकारों ने, अरे आपको लगा था कि नहीं लगा था बताओ ना प्रधानमंत्री, ये बताएं। पहले की सरकारों ने वैक्सीन पर पोलियो को इतने बड़ा पूरा देश में अभियान चलाया गया, पोलियो मुक्त भारत बना, तो कभी किसी सरकार ने अपनी फोटो लगाई थी क्या? आप बताओ, ये लोग इतने बेशरम हैं, इतने महानीच प्रधानमंत्री हैं कि इनको शर्म ही नहीं। ये तो कोरोना काल में भी उत्सव मनाते रहते हैं, टीका उत्सव, कभी जब कोरोना का संज्ञान लेना था तो लिट्टी चोखा खा रहे थे, वहां भी इवेंट करते नजर आ जाते हैं। आप बताओ, उत्तर प्रदेश विकास उत्सव मनाया जा रहा है, विकास किया है योगी आदित्यनाथ, महिला की साड़ी खोली गई, ये उत्तर प्रदेश का विकास है। अरुण वाल्मीकि की हत्या, नमक मिर्ची डालकर, मोटे मोटे डंडों से पीट पीट कर, बिजली का करंट लगाकर, पुलिस कस्टडी में हुआ, ये उत्तर प्रदेश का विकास है। बहन मनीषा के साथ जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसी समाज की बिटिया के साथ दरिंदगी हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था दरिंदों को बचाने के लिए, साक्ष्य और सबूत को मिटाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाया। हमने देश देखा है, पूरा देश ने देखा है, निर्भया कांड के बाद निर्भया का भाई पायलट अफसर बना, मनीष का भाई क्या बना भैया, रिक्शा ड्राइवर बना, आप बताओ, कार का ड्राइवर बना, पायलट अफसर बना, क्या बना, क्यों नहीं बताते हो? जाति भेद है क्या? तो इसे क्या कहोगे आप? निर्भया कांड के बाद यही लोग आंदोलन कर रहे थे, निर्भया कांड के फंड में कटौती की गई, हजारों निर्भया बन गई। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है रंजीत नगर में, अरे सुन नहीं रहे, अरे क्यों देखते हैं आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो, आपका रतौदी है कि दिनौदी है, आप बताओ ना। अडानी के बाप के नाम के साथ खान नहीं है तो अडानी को जेल में नहीं भेजा जा रहा है, प्रधानमंत्री का दोस्त है अडानी, जैसे आर्यन खान चूंकि मुसलमान है इसलिए फंसाया जा रहा है। एक अधिकारी जो आरक्षण का दुरुपयोग किया, आरक्षण की, एक दलित भाई हमारे जो आरक्षण का लाभ लेते, गैंगस्टर की भूमिका अफरम करता, मेन अफरम करता की भूमिका में जोनल डायरेक्टर समीर बानखेरे का था, कौन है केपी गोसावी, केपी गोसावी ही एनसीबी का अधिकारी था, किसने इजाजत दी आप बताओ? आर्यन खान से फोन पर किससे बात करा रहा था? 25 करोड़ की ये डील हो रही थी, जो प्रभाकर उसका बॉडीगार्ड था उससे 12-12, 11-11 पन्ने ब्लैंक दस्तखत क्यों किए कराए गए? जब कोर्डियल क्रूज जहाज जहां गावा ऑर्गेनाइजर था, आप एक बात बताइए, तट जहां समुद्री तट है वहां जहाज है, जहाज में हर कोई आएगा जाएगा पता नहीं चलेगा, अरे क्या आप लोग देश की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रखे हो भैया, तटरक्षक होते हैं वहां, वहां सुरक्षा पैरेडी होती है, तो जांच कैसे नहीं हुई? जब आर्यन खान के दोस्त अरबाज के पास मिलने से, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में ये क्लियर हो चुका है, व्हाट्सएप चैट से क्लियर हो चुका है कि आर्यन खान का कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों फंसाया जा रहा आप बताओ? वहीं अगर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर अडानी पोर्ट को सील किया जाता तो सारी सच्चाई सामने आती, कौन लोग हैं, आप उसकी बात नहीं करते, आप बात ही नहीं कीजिएगा, चूंकि उसमें आपको टीआरपी नहीं मिलना, आपको भाजपा आईटी सेल ने यही फिक्स करके दिखाया है। रिया चक्रवर्ती पर नागिन डांस कर रहे थे, अब वही भारतीय कॉमेडियन उसका पति को जमानत मिल जाता है, वहीं कंगना रनावत को कुछ नहीं होता है, वहीं रणबीर कपूर को कुछ नहीं होता है। आप मानते हो नाम के आगे खान लिखा हुआ है इसलिए ये सारी आपको नहीं दिख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा है उमर खालिद को क्या, सुनिए बता, उमर खालिद को कैसे फंसाया गया? उमर खालिद के मामले में जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया
तो ये बातें क्लियर हुई कि दिल्ली पुलिस रिपब्लिक भारत जैसे दो कौड़ी के देश चलाने वाले पत्रकारों के न्यूज़ के आधार पर उसकी कार्रवाई हुई। एक होनहार देश के युवा का भविष्य दिल्ली पुलिस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा राजनीतिक दलाली में ख़त्म कर दी। आप उस समय नहीं देखे, आप उस समय नहीं देखे कि जो हथियारों का सप्लायर जो प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए पमला गोस्वामी के पास कोकीन कहाँ से आते हैं। ध्रुव सक्सेना जो कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड था, ये पूरे देश में अपना टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को कैसे देते हैं। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमले हुए जहां भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, वहां ट्रैक्टर सप्लाई कहां से होते हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री जी कि जो जम्मू कश्मीर में तारिक जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो हथियारों का सप्लायर के पास हथियार कहां से आते हैं। आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स 50 किलो जेलेटिन और वो कार कहां से आते हैं। प्रधानमंत्री जी वो बताइए कि जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, वही 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था, तो वो कैसे छूट जाते हैं।